So our topic is the classification of cost, how cost can be classified. So the first classification is based on nature or element, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही elements of cost में cover कर लिया है. So you can see here one chart is given, elements of cost. Based on the elements of cost, that means cost में कौन सी चीजें आती है, Which are the items covered in the cost, जिसको elements of cost बोलेंगे, जिसको हम nature के हिसाब से बोलेंगे. तो देखो, कोई भी product बनाना है तो material की cost आता है, workers का, wages का cost आता है और other expenses. अब इन सब में भी हमने total 6 points देखे थे. Direct material होता है, indirect material होता है. Direct labor cost आता है, indirect labor cost होता है. Direct expenses होते हैं, indirect expense होते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको ओवरहेड कहा जाएगा. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट. तो ओवरहेड आपके तीन तरह के हो जाएंगे. ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंस, वो तीन तरह का ओवरहेड होगा. एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, पर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल के या तो लेबर के या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो यहां पे कवर हो गए. तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर और वी कैन सी द एलिमेंट्स. इसका सारा डिस्कशन दिया हुआ है, जो हमने ऊपर भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. हियर आई विल मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द ओवरहेड. तो ओवरहेड क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, ओवरहेड इज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको ओवरहेड कहा जाएगा. नाउ दिस ओवरहेड इज ग्रुप्ड इनटू प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोज हु आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. तो देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, रेंट एंड पावर. आप जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, उस फैक्ट्री का अगर आपने, आपकी खुद की फैक्ट्री नहीं है और सपोज आपने रेंट पे लिया, तो उसका जो रेंट दोगे आप, वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. उस फैक्ट्री में तो आप बहुत सारी प्रोडक्ट बनाते हो, तो इस रेंट का जो एक्सपेंस है, उसको हम किसी एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ नहीं सकते. वी हैव टू सेग्रीगेट दिस रेंट एक्सपेंस इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच वी मैन्युफैक्चर. तो ये हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, वो किसी एक प्रोडक्ट के पीछे नहीं कंज्यूम होती है, वो पूरी फैक्ट्री में सारी एक्टिविटीज के बीच में आपको उसको एलोकेट करना पड़ेगा. तो एक तरह का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. फैक्ट्री में तो खाली प्रोडक्शन होता है, और उसके अलावा सभी कंपनी का अपना वर्कशॉप के अलावा भी एक ऑफिस होता है, जहां पे सारा बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके सारे डिटेल्स वहां पे होते हैं. तो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. वहां के जो एक्सपेंस है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बना रहे हैं. अगर फैक्ट्री नहीं होती, प्रोडक्शन ही नहीं होता होता, तो फिर ये अलग से ऑफिस भी नहीं होती. जैसे कि आईटीएम यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो आईटीएम यूनिवर्सिटी में कॉलेज हमारी रवाल गांव में है, पर उसकी जो ऑफिस है वो आप देख सकते हो यहाँ फतेहगंज में है. तो ये ऑफिस जो है, वहां के जो एक्सपेंसेस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस हुए. तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. देयर आफ्टर वी हैव सेलिंग. अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सेल करोगे. तो सेल्स के साथ जो भी एक्सपेंसेस जुड़े हुए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आ गया, सेल्समैन के जो भी एक्सपेंसेस आ गए,
पब्लिसिटी का जो भी एक्सपेंस हो चुका है वो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। प्रोडक्शन के साथ इसको रिलेशन नहीं है, पर प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सेलिंग ओवर तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं उनको ओवरहेड कहा जाएगा। इनको भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे तभी हमको पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट किससे बनता है? पर यूनिट कॉस्ट बनता है डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट एक्सपेंस से और ओवरहेड से। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अगर आपने इग्नोर कर दिए तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी। आपको लगेगा बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है, बट ये एक्सपेंसेस तो हुए, तो वी हैव टू इंक्लूड दिस ओवरहेड ऑल्सो। देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जब कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं या तो कस्टमर को हमें जब गुड्स पहुंचाना होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। फैक्ट्री हमारी बड़ौदा में है, पर हमारे प्रोडक्ट के जो ऑर्डर से पूरे गुजरात से या तो पूरे स्टेट से या तो पूरे इंडिया से आते होंगे, तो अलग अलग जगह के ऊपर हमें वेयरहाउस बनाने होते हैं ताकि हम वहां तक हमारी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर फ्री होम डिलीवरी का फैसिलिटी दिया है तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री से लेके कस्टमर के तक ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक्सपेंस, तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं। पैकिंग करना पड़ता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस होते हैं। सो ये सारे ओवरहेड भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो गए। तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन जा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्लासिफिकेशंस भी हम समझेंगे, पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द एलिमेंट। ये आपके माइंड में ऑलवेज फिक्स होना चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जिसको डायरेक्ट वेजेस भी कहा जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसी का दूसरा फॉर्म है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको ओवरहेड कहते हैं। और ओवरहेड को टोटल तीन हेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। कुछ लोग चार भी बोलते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करके। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन, यहां पे भी कुछ वही चीजें आपको मिलेगी जो ऊपर हमने पढ़ लिया है कि बेस्ड ऑन द फंक्शन कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय दैट इज लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब यहाँ पे वो इनडायरेक्ट वर्ड निकाल दिया। बाकी ये जो नंबर 4, 5, 6 और 7 है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, ये जो सीट यहाँ पे आपको दिख रही है ये आगे वाले एक चैप्टर में आपको काम आएगी, जिसको हम कॉस्ट शीट बोलेंगे। तो कॉस्ट शीट बनाने में ये काम में आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट वेन यू टेक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का टोटल अगर करते हो तो उसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हो। तो आप देख सकते हो अलग अलग कॉस्ट आपको मिलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा जिसे वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद जो मिलेगा उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद जो आएगा उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कहा जाएगा। ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिया है, इसका बहुत बड़ा सीट है जो आगे जाके हम देखेंगे। नाउ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। तो देखो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ऑलवेज फिक्स रहती है,
ना उसमें इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है. देर आर सम एक्सपेंसेस विच रिमेन फिक्स ऑल टाइम. आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो कॉस्ट पे करना ही है, तो उन्हें फिक्स कॉस्ट कहा जाएगा. जैसे कि आपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस सपोज रेंट पे लिया हुआ है, तो उस फैक्ट्री का जो रेंट है हर महीने फिक्स रहेगा. जैसे कि 50,000 फैक्ट्री रेंट है, तो 50,000 हर मंथ आपको देना ही है. आप यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि फैक्ट्री में मैंने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा फैक्ट्री बंद था. नहीं, आपने रेंट पे लिया, मतलब जिस दिन से रेंट पे लिया आपका ये सर्कल चालू हो जाएगा रेंट का. तो दैट इज अ फिक्स कॉस्ट. फिर कुछ वर्कर ऐसे होते हैं हमारी फैक्ट्रीज में या तो कंपनी में जो परमानेंट होते हैं, उनको आपको हर मंथ सैलरी देना ही है. तो फिक्स सैलरी का जो एक्सपेंस है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स से जो हमारे परमानेंट वर्कर है, उनको हर मंथ सैलरी देना ही है, भले फैक्ट्री हमारी बंद हो या चालू हो. तो दे आर द फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट से प्रोडक्शन को कोई लेना देना नहीं है. प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा. तो आप यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेंट पे किया, इंश्योरेंस फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, तो दे रिमेन सेम. तो चार्ट की हेल्प से अगर आप हम समझने का ट्राई करते, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट दिया है 10,000 कि किसी फैक्ट्री का 10,000 का कॉस्ट है, फिक्स है. जीरो यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी 10,000 देना है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी 10,000 देना है, 200 यूनिट होगा तो भी वो कॉस्ट वही रहेगा. आप कितना प्रोडक्शन फैक्ट्री में करते हो उससे फैक्ट्री रेंट पे इफेक्ट नहीं होगा. फैक्ट्री रेंट 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा. फैक्ट्री का जो आपका एक्सपेंस है रेंट का वो फिक्स है. प्रोडक्शन कम होने से, जीरो होने से या बढ़ने से वो रेंट बढ़ता नहीं है. सो इट इज अ फिक्स कॉस्ट. तो इस कॉस्ट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो. अगर कॉस्ट कंट्रोल करना है तो इसको रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये फिक्स है. हाँ, इस कॉस्ट को पर यूनिट आप कम कर सकते हो, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम कर सकते हो. अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा. देखो, जीरो यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो भी 10,000 देना है. अगर मैं वहां पे 100 यूनिट बनाता हूँ, 100 यूनिट्स, तो क्या होगा, मेरा 10,000 का कॉस्ट 100 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पर यूनिट 100 रुपीज आएगा. अगर मैं 200 यूनिट बनाता हूँ तो 10,000 को 200 से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट 50 रुपीज कॉस्ट आएगा. अगर मैं 500 यूनिट्स बनाता हूँ तो 10,000 को 500 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट 20 रुपीज आएगा. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगा. तो फिक्स कॉस्ट ऐसे तो कम नहीं कर सकते, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट, बाय डूइंग द मोर प्रोडक्शन. पर दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रोडक्शन करना ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड भी होना जरूरी है. अच्छा, दूसरी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट. कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरी करती है विद द प्रोडक्शन. ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो ये कॉस्ट जरा भी नहीं आएगी, जीरो होगी. हायर द प्रोडक्शन, हायर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट. लोअर द प्रोडक्शन, लोअर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट. जीरो प्रोडक्शन, जीरो वेरिएबल कॉस्ट, जबकि फिक्स कॉस्ट जीरो पे भी पॉजिटिव है. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में आएगा क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा मटेरियल का कॉस्ट. अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो मटेरियल की कॉस्ट जीरो आएगी, पर अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल की कॉस्ट आएगा. प्रोडक्शन करोगे तो डायरेक्ट वर्कर्स जो है उनको लेना पड़ेगा, तो वेजेस का डायरेक्ट कॉस्ट आएगा. तो अगर आप जीरो प्रोडक्शन करते हो तो ये मटेरियल का कॉस्ट जीरो होगा, वर्कर्स के वेजेस का कॉस्ट जीरो होगा. पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वेजेस की वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है. सो सम कॉस्ट चेंज विद द प्रोडक्शन, दे आर द वेरिएबल कॉस्ट.
तो एक मैंने फिक्स बताया जो ऑलवेज फिक्स रहता है, दूसरा मैंने वेरिएबल बताया जो वेरी करता है, चेंज होता है प्रोडक्शन के साथ। इस कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि इसका रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो इन कॉस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल है। आप मटेरियल ऐसी जगह से परचेस करो जहां पे कम कॉस्ट में मिलता हो, आप ऐसे वर्कर्स हायर करो जो कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सेमी वेरिएबल, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो कुछ हद तक फिक्स रहती है, बाद में वेरी करती है। एक एग्जांपल दे दूं, ज्यादा आइडिया आएगा आपको। ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर आता है या तो फैक्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी चेक करना, तो उसमें एक फिक्स चार्ज होता है। वो फिक्स चार्ज आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या ना करो, आपको देना ही पड़ेगा, तो वो पोर्शन तो फिक्स ही है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जरा भी यूज नहीं करोगे तो भी उतना बिल तो आएगा जो फिक्स चार्ज है वो। पर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो फैक्ट्री में या तो घर में, जितना ज्यादा यूनिट्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ हद तक फिक्स है, बाद में वो वेरी करती है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आ गया एक्सपेंस, अगर गैस का कनेक्शन लिया है तो उसका एक्सपेंस आ गया। क्या आप गैस का कनेक्शन लिए हो, आप उसको यूज ही नहीं किए, और जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना है। टेलीफोन बिल में भी ऐसा होता है कि अगर आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया हुआ है तो फिक्स चार्ज रहेगा। तो दीज ऑल आर द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम्स खाली बताने के लिए है, आपको याद नहीं रखना है, आपको जरा अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए बताया हुआ है। फिक्स कॉस्ट आप देख सकते हो वो फिक्स ही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, दोनों का टोटल करोगे तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हमने तीन क्लासिफिकेशन अभी तक देख लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा बताया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको ओवरहेड कहेंगे। फंक्शंस के हिसाब से जाएंगे तो वही क्लासिफिकेशन था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और बाद में उन्होंने इनडायरेक्ट के लिए ओवरहेड वर्ड यूज कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। थर्ड पॉइंट था हमारा वेरिएबिलिटी के हिसाब से, जिसमें हमने तीन क्लासिफिकेशन देखे, एक तो है फिक्स कॉस्ट जो ऑलवेज फिक्स रहता है, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है, और तीसरा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कुछ हद तक फिक्स रहता है और कुछ हद तक फिक्स रहने के बाद वो वेरी करता है, जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वो बढ़ता रहेगा। नाउ कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड सेकंड इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। एक कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसको तो आप कम कर ही नहीं सकते हो, आपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है तो उसका रेंट आप कम नहीं कर सकते हो, आप लोकेशन बदल के कम रेंट वाला प्रीमाइसेस डिसाइड कर सकते हो, बट इट इज अ कॉस्टली अफेयर, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर हाँ, मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, आप मार्केट में से ऐसे मटेरियल के सप्लायर फाइंड कर सकते हो जो आपको क्रेडिट में मटेरियल सप्लाई करें, कम प्राइस में सप्लाई करें, आप लेबर कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, आप ऐसे वर्कर्स फाइंड कर सकते हो जो कम वेजिस में ज्यादा प्रोडक्शन देने को रेडी हो। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट
cost that can be controlled typically by a cost, profit or investment center manager is called controllable cost. Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of the manager heading that responsibility center. देखो यहाँ पे responsibility center वर्ड आया है. एक तो होता है cost center, एक तो होता है profit center और एक होता है investment center. For example, direct cost comprising of direct labor, direct material, direct expense and some of the overhead are generally controllable by the shop floor supervisor or the factory manager. तो कौन इस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगा? तो उस कॉस्ट सेंटर का जो हेड होगा वो उसको कंट्रोल कर पाएगा. जैसे कि बिल्डर्स जो होते हैं, तो वो बिल्डर्स जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वो अपने एक सुपरवाइजर को रखते हैं. अब सुपरवाइजर का काम क्या होता है? ही हैज टू कीप वॉच इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, इन दैट पर्टिकुलर सेंटर. बिल्डर हो गए तो उसकी बहुत सारी साइट्स चलती होगी, अलग अलग जगह पे उसकी सोसाइटीज का कंस्ट्रक्शन होता होगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन चालू काम चालू होते हैं, तो हर जगह पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा. इसलिए वो हर जगह के लिए क्या करेगा? सुपरवाइजर्स अपॉइंट करेगा. तो ये जो सुपरवाइजर्स हो गए वो पर्टिकुलर लोकेशन के कॉस्ट सेंटर हो गए, पर्टिकुलर सेंटर के वो हेड हो गए. सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ दैट सेंटर. तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का अगर मैं सुपरवाइजर हूं तो मेरा काम क्या होगा? मैं वॉच रखूंगा एट द टाइम ऑफ सप्लाइंग द मटेरियल. सीमेंट सप्लाई करते वक्त, रेत जो होती है जिसे सैंड बोलेंगे उसको सप्लाई करते वक्त, ब्रिक्स जिसे हम ईटे बोलते हैं उसको सप्लाई करते वक्त, कि उसका वेस्टेज ना हो, अननेसेसरीली ज्यादा सीमेंट का कंजम्पशन ना हो, उसका वेस्टेज ना करे वर्कर्स, वो सब चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, तभी कॉस्ट कंट्रोल होगी. अदरवाइज वर्कर्स क्या करेंगे? जहां पे एक बैग सीमेंट का डालना है वहां पे वो दो बैग डाल देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी. जहां पे आधी बैग से काम चलता होगा सीमेंट की, वहां पे वो वन बैग पूरी डाल देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो ये सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? उस सुपरवाइजर का होता है. तो मटेरियल की कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो. अच्छा, आप सुपरवाइजर हो तो आपको ये भी देखना है कि आपके वर्कर्स जिस टाइम में उनको काम करना है उस टाइम पे वो प्रोडक्शन में ही जुड़े रहे, कोई अननेसेसरी एक्टिविटीज में ना हो. 8 आवर्स के लिए वर्कर्स को आपने रखा है तो 8 आवर्स उसका प्रोडक्शन के पीछे होना चाहिए. उस 8 आवर्स में अगर मान लो वो 2 आवर्स रेस्ट लेता है या तो 1 आवर किसी के साथ बातें करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फैक्ट्री में, या तो आधा घंटा फोन पर लगा रहता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एज ए सुपरवाइजर. बिकॉज 1 आवर इफ वर्कर इज बिजी इन अदर एक्टिविटी यू विल गेट दैट मच प्रोडक्शन लेस. तो आपकी लेबर कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगी. तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो आप. अच्छा, दूसरा है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. देर आर सम कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उसको अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहेंगे. एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल द टूल रूम इन कंट्रोलेबल बाय द फॉरमैन इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन, बट द शेयर ऑफ द टूल रूम एक्सपेंडिचर विच इज अपोर्शन टू अ मशीन शॉप इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मशीन शॉप फॉरमैन. एग्जाम्पल समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको. दो चीजें यहां पे बताई हुई है कि फैक्ट्रीज में एक तो टूल रूम होता है जहां पे सारे टूल्स रखे जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स, जो छोटे छोटे औजार होते हैं रखने के लिए जो रूम होता है उसे टूल रूम कहा जाता है. तो उस टूल रूम का जो इंचार्ज होगा वो उस टूल रूम के जो भी टूल्स है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है. पर उसी टूल रूम से जो फॉरमैन होते, जो मैकेनिक्स होते, जब ये टूल्स ले जाएंगे
तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत बड़ा होता है। इस पूरी फैक्ट्री में कौन से मशीन में कहाँ प्रॉब्लम हुई है, मैकेनिक कहाँ पे जाके टूल्स ले गया है, कहाँ पे उसने छोड़ दिए, कहाँ पे कौन से टूल के साथ उसने कुछ मिसबिहेव किया, तो टूल फेंक दिया या तो खो दिया, वो टूल रूम का फॉरमैन नहीं देख पाएगा, बिकॉज ही इज इन द टूल रूम, ही कांट गो विद दैट मैकेनिक एट ईच एंड एवरी प्लेस। तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जहां पे आप डायरेक्ट वॉच नहीं रख पा सकते, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। એના છોકરા ની નહીં રાખે જ્યાં તાર અત્યારે આમ લખીને રાખો ને તો રાખી દે અત્યારે છો ને નહીં ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मालिटी कॉस्ट आर नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट under the conditions in which that level of output is normally attained। जैसे कि material का cost हो गया, wages का cost हो गया, ये सारी normal cost हो गई। आप production कर रहे हो तो वो cost आएगी। Abnormal cost क्या है? It is the cost which is not normally incurred at a given level of output in the condition in which that level of output is normally attained and it is charged to the costing profit and loss account। Abnormal cost, कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्री प्रीमाइसिस में मान लो आग लग गई, और आग लग जाने से कुछ एक्सपेंस आ गया, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये एक एक्सीडेंटली हो गया, तो दैट इज द एबनॉर्मल कॉस्ट। आप प्रोडक्शन कर रहे हो और मशीनरी का कोई स्पेयर पार्ट अचानक से टूट गया, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब इस स्पेयर पार्ट के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा या तो स्पेयर पार्ट बदलना पड़ेगा, तो एक एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे चैप्टर्स के नाम्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस कॉस्ट में भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, फॉरकास्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सभी प्रोडक्ट के लिए आप एक कॉस्ट डिसाइड करोगे, इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे कि एक यूनिट 10 रुपये में बन जाना चाहिए, तो आपने 10 रुपया डिसाइड कर दिया बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया कि 10 से ज्यादा कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। तो आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे, आप इस तरीके वर्कर्स को यूज करोगे कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट 10 ही आए, मार्जिनल कॉस्ट। आपका प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ता है तो आपकी जो एडिशनल कॉस्ट आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट है। ये सारे चैप्टर से आगे जो हमें देखने हैं। तो बाय मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट द कॉस्ट विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट, जब आप टेंडर जब किसी को टेंडर फिलअप करते हो तो आप एक एस्टिमेशन देते हो कि इतनी कॉस्ट में हम ये काम करके देंगे, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, दैट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल या तो टेक्नोलॉजी या तो प्रोसेस या तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन। किसी एक मेथड से दूसरी मेथड पे शिफ्ट होने से आपकी कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंशियल कॉस्ट है।
So many cost accountant also try to know okay, that by changing the method, what will be the difference in the cost? क्या हमारी cost कम हो रही है या बढ़ रही है? So they also use the differential cost. Imputed cost. Imputed cost ऐसी cost होती है जिसमें आपको कोई cash payment नहीं करना होता है. These costs are notional costs which do not involve any cash outlay. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल कौन देता है? बिजनेस का ओनर देता है. अब बिजनेस का ओनर अपना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस से नहीं लेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलने वाला है. तो ये कॉस्ट है पर लिखेंगे नहीं हम. दैट इज द इम्प्यूटेड. दैट इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट. फैक्ट्री प्रीमाइसिस है, मान लो फैक्ट्री प्रीमाइसिस ओनर का खुद का है तो उसका रेंट फिर वो नहीं लगाएगा. वहां रेंट का एक्सपेंस नहीं आएगा क्योंकि रेंट पे ही नहीं करना है, ओनर की फैक्ट्री है. तो ये सारे एक्सपेंसेस, जैसे अगर हमने किसी बाहर से कैपिटल लाया होता तो इंटरेस्ट देना पड़ता. अगर बाहर से किसी का हमने फैक्ट्री लिया होता तो उसको रेंट देना पड़ता. पर ये तो खुद ओनर की कैपिटल है, ओनर का ही प्रीमाइसिस है तो यहां कॉस्ट नहीं लगेगा. तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट है. देन अदर क्लासिफिकेशन आर ऑल्सो गिवन. वी आर नॉट गोइंग डिटेल इन दिस. वेन एवर द टाइम विल कम आई विल रिकॉल दिस. आप देख सकते हो बहुत लंबा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. आपको यहां पे मेन चीज क्या याद रखनी है? फर्स्ट थ्री पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको ओवरहेड कहेंगे. फंक्शन के हिसाब से वही क्लासिफिकेशन है. इनडायरेक्ट की जगह पे उनको उन्होंने नाम लिख दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. और वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल, ये तीन हमारे काम के हैं. बाकी के जो पॉइंट्स है वो भी हमारे काम के हैं पर वो इतने डिटेल में हमें नहीं देखने हैं. जब भी चैप्टर्स आएंगे तब मैं आपको वो रिकॉल करूंगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे अभी आपसे डिस्कस किया, एक तो फिक्स कॉस्ट होता है जो ऑलवेज फिक्स रहता है. वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी करता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये कॉस्ट चेंज होगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगर आपके पास दो अल्टरनेटिव है उसमें से आप कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो तो दूसरा अल्टरनेटिव आपको छोड़ना पड़ता है, तो उसमें जो बेनिफिट्स होने वाले थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, वो आपकी कॉस्ट है. जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज इन माई फैक्ट्री आई कैन प्रोड्यूस आइदर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. मेरी फैक्ट्री में मैं प्रोडक्ट ए बना सकता हूं या तो प्रोडक्ट बी बना सकता हूं, और है बीच में, दोनों नहीं बना सकता. मान लो प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो मुझे 50,000 का गेन हो रहा है, प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो मुझे 60,000 का गेन हो रहा है. अब मेरे को डिसाइड करना है कौन सी प्रोडक्ट बनाना है. तो सपोज आई एम सिलेक्टिंग प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी में बनाऊंगा तो मुझे 60,000 का गेन होगा, तो अब मैं प्रोडक्ट ए बना नहीं पाऊंगा बिकॉज आई कैन प्रोड्यूस एनी वन प्रोडक्ट. तो जिसको आप छोड़ रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बी इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. संक कॉस्ट, तो जो एक्सपेंस एक बार आपके हो चुके हैं, द एक्सपेंसेस विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, दे आर नोन एज संक कॉस्ट, जिसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते. जैसे कि फैक्ट्री के अंदर मशीनरी आपने खरीदा, मान लो 50 लाख का मशीनरी खरीदा,
तो एक बार मशीन खरीद लिया तो ये पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, तो दैट इज द संक कॉस्ट। अब आप इसको सेल कर दोगे, मान लो आपकी इच्छा हो गई कि नहीं यही मशीन नहीं चाहिए सेल करना है, तो आपको 50 लाख वापस नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें मुझे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट अलग से बताना था, जो यहाँ पे बता दिया है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो ये पूरा यूनिट थियोरिटिकल है, इस यूनिट में आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। लाइब्रेरी में से आप कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर आप बुक लोगे तो ये सारी मेथड्स के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हमें देखने हैं। जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग है तो उसके ऊपर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक अलग से चैप्टर्स होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग अलग से चैप्टर होगा। तो ये सारे हमारे मेथड्स जो है उसके हिसाब से हमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। For this, I am going to share you the next meeting. In the next meeting, we will understand these methods of costing.